गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ सब्जेक्ट इंग्लिश. ओपन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक. योर क्वेश्चन एक्टिविटीज. ओके, दिस वीडियो फॉर द एक्सप्लेनेशन फॉर योर क्वेश्चन एक्टिविटीज. ओके, एक्टिविटी है राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द सेलिब्रेशन ऑफ द काइट फेस्टिवल. इसमें क्या करना है, क्वेश्चन एक्टिविटीज में आपको अपनी तरह से ही खुद से ही करना होता है, लेकिन मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ. ओके, काइट फेस्टिवल के बारे में एक शॉर्ट पैराग्राफ करना है. ओके, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग द परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट फ्रॉम द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. आपको इसमें आंसर पेंसिल से करना है तो आप कर सकते हो, कंपल्सरी नहीं है. ओके, लेकिन मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ. दे बिलोंग्स टू स्कूल. गो, गो का क्या हो जाएगा, गन. तो दे हैव गन. शी बिलोंग्स अ न्यू कार. बाय. तो सी हैज बॉट. बी ओ यू जी एच टी. ओके, आई बिलोंग्स अ जॉब. स्टार्ट. तो आई हैव स्टार्टेड. तो गेट्स अराइव. तो गेट्स हैव अराइव्ड. Lux blanks from home. Leave. तो Lux has. Leave का क्या हो जाएगा, left. Okay? Next है. Write antonyms of the words in column A. Visible. तो क्या हो जाएगा, unvisible. Ordinary. Extra. Extraordinary. Satisfaction. तो dissatisfaction. And sense. तो nonsense. Identify the underlined words एज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब. रिप्लेस देम विथ सम सिमिलर एडजेक्टिव और एडवर्ब्स. अब एडजेक्टिव और एडवर्ब्स हमें करने हैं, जैसे कि अंडरलाइन है तो उसमें क्या हो जाएगा, वो क्या है, एडवर्ब है. ओके, फिर उसका सेंटेंस है कि पॉप पॉप केम लिंपिंग थ्रू द डोर. फिर सेकंड है, दे क्लीन द हाउस अंटिल एवरीथिंग वॉज स्पॉटलेस. तो स्पॉटलेस इज फॉर एडजेक्टिव. They cleaned the house until everything was tidy. T-I-D-Y. Third, the chair faded one and in some place even torn. तो क्या हो गया, faded in adjective. Okay? तो the chair was discolored one and in some place even torn. Fourth है, the old man's sentence grow dress as he recall that unfortunate day. The unfortunate is for adjective. And the old man's sentence grow as he recalled that unlucky day. Okay? बाकी क्या है वो आपको सोच के करना है. Okay? Next है, describe the neem tree and write how it is useful to us. Neem tree के बारे में. Okay? And this is for the next. Do you know the following leaders? Write at लेट्स फाइव सेंटेंस अबाउट दैम. फाइव सेंटेंस करने हैं, जैसे कि नाउ फर्स्ट पिक्चर इज, दिस इज पिक्चर ऑफ बाल गंगाधर तिलक. एंड सेकेंड इज, दिस इज पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इवैल्यूएशन एक्टिविटी समझ में आ गई होगी, मैंने एक्सप्लेन किया है. ओके, थैंक यू.